बात करेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज क्या है? अ वेरी बेसिक लैंग्वेज होती है जो एक मशीन को अंडरस्टैंड कर सकती है। अब कंप्यूटर भी एक मशीन है जो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझ सकती है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा। सो फॉर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम वी हैव टू चूज, हमें चूज करना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें उसे समझ आ सके कि हम करवाना क्या चाहते हैं उसे। वैसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम वेरियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में बहुत सारी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे बेसिक लैंग्वेजेस, कोबोल लैंग्वेज है, सी है, जावा है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट जो मेन लैंग्वेजेस, जो मेन लैंग्वेज है ये है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ बनी होती है जीरो और वन से, क्योंकि एक कंप्यूटर मशीन, कोई भी मशीन है, वो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझ सकती है। जीरो और वन मतलब ऑफ और ऑन स्विच, जैसे गेट्स में होते हैं वैसे ही हमारे इसमें स्विचेस होते हैं जो जीरो और वन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे किसी चीज़ में एडवांटेजेस होती हैं वैसे ही उस चीज़ में ड्रॉबैक्स भी होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब कोई भी प्रोग्राम लिखना है या कोई भी सेट ऑफ कोड लिखना है हमें, तो हमें को डिफरेंट बाइनरी कोड्स को याद रखना पड़ेगा जो सिर्फ जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है हमें याद करने में। और इन बाय चांस अगर हमारे कोई एरर आता है तो एरर किस चीज़ की वजह से आएगा? हमारा एरर आएगा मिसप्लेसमेंट ऑफ जीरो और वन, कहीं हमने जीरो की जगह किसी कोड में वन लिखना हो और कहीं जीरो लिखना हो तो उसकी वजह से एरर अराइज होगा, जिसको रेक्टिफाई करना इज़ वेरी टफ। और इसकी मेन डिसएडवांटेजेस एक और भी रहती है कि हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है, मतलब किसी कि एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए बनी हो वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, मतलब वो बाकी हार्डवेयर्स पे नहीं चल सकती या उसकी कंपैटिबिलिटी बाकी हार्डवेयर्स पे नहीं होती। सो आई थिंक आप लोगों को मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पता लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।